So now we are going to discuss something which is called the conic section, which is very interesting. Conic section, सुना है कुछ लोगों ने आठवें में या नौवें में, उसको हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन ही बोलते हैं, हाँ शंकु, हाँ मतलब शंकु तो कौन हो गया, कौन तो कौन, हाँ कॉनिक सेक्शन पढ़ाते हैं आठवें में, उसमें करना क्या है कोई भी चीज को, इन दिस केस वी आर नॉट डूइंग कॉनिक सेक्शन ऑफ अ कोन. तो ये हमारे पास, इसको मान लीजिए सीधा है, सिलेंडर है, अब इसको हम तिरछा काटेंगे, तिरछा इस तरह से, तिरछा काटने के बाद मेरे पास ये बचा, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो गोल दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा अगर इतना ही देखे तो इसको एक चौरस बोल सकते हैं ना, ये सीधी लाइन, ये तिरछी लाइन, एक फिर और एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल या कोई भी चतुर्भुज ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर इतना ही भाग लगते तो ये ट्रायंगल सा बन जाता. लेकिन ये कॉनिक सेक्शन में पढ़ाते हैं, कभी भी किसी सिलेंडर को अगर तिरछा काटें तो एलिप्स दिखता है. एलिप्स कब दिखता है, जब इस ये जो चीज है ये एलिप्स है, बट ऐसे देखेंगे इसके बिल्कुल डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये सरफेस जो है एलिप्स है, ये अपन सिखाते हैं. अब आपको एलिप्स दिखेगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर देखेंगे एलिप्स दिखेगा. एलिप्स क्यों मान लें, हाँ जैसे कोई भी किसी भी छिलके को तिरछा, इनफैक्ट किसी भी शंकु को भी तिरछा काटेंगे तो ये एलिप्स दिखेगा. अब क्यों मान लें ये एलिप्स है, एलिप्स की परिभाषा किसी को मालूम है क्या है, नहीं मालूम. एलिप्स क्या होता है, एलिप्स मतलब हाँ ऐसा कह सकते हैं दो सेंटर वाला, बहुत सही बोला दादा ने, दो सेंटर वाला सर्कल, या एलिप्स को हिंदी में बोले वो जो अंडाकार शेप होती है ना, अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्स ओवल, इसके बारे में और चर्चा करेंगे वेदर अर्थ रियली गोज अराउंड द सर्कल और नॉट इन एन एलिप्स और नॉट, बट अभी के लिए मान लेते हैं एलिप्स ओवल, ओवल ठीक है. या सबसे बड़ी परिभाषा क्या है जो यहां पर बता रहे थे, कि दो सेंटर वाला सर्कल, जमीन पर दो खूंटे गाड़ दीजिए, दो सेंटर, बीच में रस्सी बांध दीजिए, कितने भी लंबाई की रस्सी हो उसमें पेंसिल घुमा दीजिए, जो बनेगा वो एलिप्स है. अगर एक खूंटे से रस्सी बांध के घुमाई तो गोला बनता है, दो खूंटे में रस्सी जोड़ दी और तब पेंसिल घुमाई तो सर्कल है, यानी एलिप्स इज दो सेंटर वाला सर्कल. बहुत सिंपल है. तो कैसे मान लें ये दो सेंटर वाला सर्कल है, नहीं दो सेंटर है तो सेंटर कहां है, दो खूंटे कहां गाड़े, सेंटर तो एक ही है क्या, वो मुझे मालूम नहीं, अगर ये गोला देखे तो वहां बीच का एक सेंटर है, बट वेयर आर दोस टू थिंग्स, इनफैक्ट दैट इज व्हाट टेल्स मी, हमने मान लिया कि एलिप्स है, कैसे मान लिया एलिप्स है, उसके लिए दो सेंटर भी चाहिए. क्या करा हमने, इसको सिलेंडर मान लिया, बीच से कट लगा दिया, ये एलिप्स दिखेगा ना, अब आपको दिखता है ना, वो दो पॉइंट्स कैसे हैं, अगर इस बीच में सिलेंडर में फिट होने वाली बॉल नीचे से जहां पे वो इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी ना, वो पॉइंट एक खूंटा है, और ऊपर से अगर आपने डाल दिया तो वो जहां टच करेगी वो एक खूंटा है, तो उसमें दो पॉइंट्स ही ऐसे आ जाएंगे, ये दोनों खूंटे हैं, इनके बीच में ये दूरी की कर दीजिए, घुमा दीजिए, ये एलिप्स है. ये हम किसी भी किताब में नहीं पढ़ाते हैं, जो भी होंगे पॉइंट क्या है, और आप देख लेंगे क्या होगा, जैसे जैसे अगर इसको आप तिरछे की जगह सीधा करते जाएंगे तो कहां पर टच होगी, फिर क्या बन जाएगा, और जितना जितना तिरछा करते रहेंगे उतना वो कोने में जाता जाएगा, वो पॉइंट जो टच होने वाला है कोने कोने में चला जाता जाएगा, और बिल्कुल इनफाइनाइट कर देंगे ऑफ कोर्स तो सीधी लाइन बन जाएगी, बट दैट्स द पॉइंट. सी आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये और किसी ने ये 200 साल पहले सोचा यार, इसका बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ भी है, डेंडेलियन स्फीयर बोलते हैं इसको, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं डेंडेलियन स्फीयर, बट ये किताब में बताना पड़ेगा, ये खीरे से काटना पड़ेगा, उसके बाद ये मॉडल दिखाना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगी कॉनिक सेक्शन क्या है.